अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है ना कोट अड्डू से मियांवाली तक का जो सफ़र है वो ट्रेन के ज़रिए कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम इस वक्त थल एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं जो सुबह 7:30 बजे कोट अड्डू जंक्शन से मियांवाली की तरफ रवाना होती है और तकरीबन 4 बजे मियांवाली पहुँच जाती है। और इसकी एक ख़ास बात और बता दूं, कोट अड्डू से मियांवाली तक का जो सफ़र है दरिया सिंध के साथ साथ ही ये ट्रेन करती है। हमारे साथ रहिए। रेलवे ट्रैक दरिया सिंध के साथ साथ चलती है, इसका मतलब है दरिया सिंध जिस साइड पे चल रहा है, जिस तरफ पे दरिया सिंध चल रहा है उसी साइड पे उसी तरफ रेलवे ट्रैक चल रही है। तो हमारे साथ रहिए। हम माशाल्लाह अब ट्रेन के सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे हैं। तो कोट अड्डू जंक्शन के बाद जो स्टेशन आता है वो लिया का स्टेशन है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो व्यूअर, ये मैं लिया के स्टेशन की पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो किसी वजह से नहीं बना सका। तो आप ये देख सकते हैं, ये लिया के स्टेशन का व्यू है और लिया स्टेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी भी मैंने पिक लगा दी है ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो लिया से अगला स्टेशन जो आता है वो करोड़ स्टेशन है। तो आप ये देख सकते हैं, हम करोड़ स्टेशन से अब गाड़ी आगे की तरफ निकल रही है। तो आपको रास्ते के व्यूज़ भी दिखाते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो मुझे तो ट्रेन का सफ़र करके बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप कि आप भी फुली इंजॉय कर रहे होंगे। तो इस वक्त हम करोड़ स्टेशन से अगला स्टेशन जो है भक्कर है, तो भक्कर पे पहुंच चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं मुसाफिर लाइनों में खड़े हुए हैं गाड़ी पे चढ़ने के लिए। और भक्कर से आगे का ये माशाल्लाह व्यू आप चेक कर सकते हैं, ये सारा रेगिस्तान है। तो ये माशाल्लाह ये आप व्यू देख सकते हैं। तो इस वक्त आपके सामने जो व्यू है ये कुंडियाँ एटॉमिक एनर्जी का व्यू है, तो आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम जो है कुंडियाँ जंक्शन स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये एटॉमिक एनर्जी है कुंडिया में, तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो माशाल्लाह ये आप व्यू चेक करें, कुंडियाँ एटॉमिक एनर्जी के साथ ये कैनाल है तो इसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। तो माशाल्लाह ये आप व्यू चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा व्यू है। तो इस वक्त हम जो हैं कुंडियाँ जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। तो कुंडियाँ जंक्शन पे पहुंचने के बाद जो है ट्रेन का इंजन जो है वो चेंज हो जाता है और जंक्शन से दो लाइनें, एक लाइन जो है वो सरगोधा की तरफ जाती है और दूसरी लाइन जो है मियांवाली से होते हुए पिशावर और रावलपिंडी की तरफ जाती है। तो ये आपके सामने कुंडियाँ जंक्शन का व्यू है। तो जंक्शन से जो अगला स्टेशन आएगा वो मियांवाली है, तो हमारा स्टाफ जो कि मियांवाली है तो हम वहाँ उतर जाएँगे। तो अभी आप इस वक्त मौजूद हैं कुंडियाँ जंक्शन पर, तो आप ये व्यू चेक कर सकते हैं माशाल्लाह।
तो व्यूअर फाइनली हम लोग जो मियांवाली स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये पिक्चर्स कुछ मियांवाली स्टेशन की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और आज का हमारा ये जो सफ़र था वो यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल जो कि एज़ टीवी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब माशाल्लाह ट्रेन रवाना हो चुकी है जो कि मियांवाली से बरास्ता अटक रावलपिंडी की तरफ जाएगी। तो दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।